दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल की जो डिश होती है उसको एयरटेल एंगल पे सेट करके बताने वाला हूँ, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा। तो बहुत आसान तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सहायता से अपनी एयरटेल टीवी डिश को एयरटेल पे सेट कर सकते हो और वहाँ पर आप सिग्नल ला सकते हो। तो ये मेरी अभी डिश देख सकते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब है, अभी ये सेट नहीं है। और ये मेरी जो डिश है डी डी फी डिश की डिश है, इसी डिश को मैं एयरटेल एंगल पर आपको सेट करके बताऊँगा। तो एयरटेल की डिश को सेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप LNB का पोजीशन देख लीजिए, आपको LNB जो है किस प्रकार से रखना है। तो हल्का सा इसको ऊपर उठा कर रखना है, इतना सा, डीडी फिट डिश से थोड़ा सा ज़्यादा इसको ऊपर उठा कर रखना है हल्का सा। इस प्रकार से LNB की पोजीशन आपको रखनी है। और उसके बाद में दोस्तों आपको अपना एंड्रॉयड मोबाइल लेना है और उस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आपको मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टीवी सेटअप बॉक्स सब लगा रखा है, बाकी दोस्तों आपको ये लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से समझते हो वीडियो को और सही तरीके से इसको सेट करते हो। तो मैंने ये इसलिए लगाया है ताकि मैं आपको सिग्नल बता सकूँ आने के बाद कि मोबाइल के द्वारा हमारी डिश सेट होती है या नहीं होती है, यहाँ पर सिग्नल आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एयरटेल का एक चैनल की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मैंने लगा रखी है मेरे DD फिट डिश के सेटअप बॉक्स में। तो यहाँ पर जैसे ही डिश सेट हो जाएगी तो यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली हमको अपना मोबाइल लेना है और उसमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन हमको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। तो मैं आपको प्ले स्टोर पर ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारा जो मोबाइल है उसका हमको डेटा ऑन कर लेना है और हमारे मोबाइल की जो लोकेशन है उसको भी हमको ऑन कर लेना है। उसके बाद में हमको प्ले स्टोर पर चलना है और वहाँ से जो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर जैसे सर्च बॉक्स में जा करके हम लिखते हैं यहाँ पर सेटेलाइट डायरेक्टर, तो हमारे सामने सेटेलाइट डायरेक्टर के नाम से एक नीचे यहाँ पे आ जाता है वो फोल्डर, या फिर सेटेलाइट डायरेक्टर लिख करके डायरेक्ट सर्च करने पे ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में सामने आ जाती है। तो इस एप्लीकेशन को मैंने मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और इसको फिर ओपन करना है। तो मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से डायरेक्टली जो है यहाँ पर ओपन कर लूँगा क्योंकि मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो ओपन करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आता है और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो हमारी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है, डिश सेट करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्यूरेंसी है वहाँ जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आ जाता जब तक थोड़ा सा हमको वेट करना होता है। तो अभी यहाँ पे येलो सिग्नल है और ग्रीन सिग्नल भी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आने के बाद जो ऊपर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर सेटेलाइट, उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर दुनिया भर के सेटेलाइट की लिस्ट हमारे सामने खुल के आ जाती है और किसी भी सेटेलाइट पर जो है आप अपनी डिश को सेट कर सकते हो उसके एंगल पर। तो यहाँ पे 99% तक दोस्तों आप अपने डिश को सेट कर सकते हो। कभी कभार नहीं हो पाता क्योंकि आपकी जो डिश है वो वर्टिकली रूप से सही तरीके से नहीं लगी होने के कारण हल्का सा जो सिग्नल है इधर उधर रह सकता है। बाकी दोस्तों 99% यहाँ पे आप डिश को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एयरटेल का सेटेलाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया SES-7 जो कि 108.2 डिग्री पे ईस्ट पर मिलता है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एयरटेल के सेटेलाइट को। और उसके बाद में जो लास्ट में डायरेक्टर हैं उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। तो अब क्या करना होता है कि हमें मोबाइल को जो है हमारी डिश के ऊपर ले चलना है और वहाँ पे जो LNB लगी हुई है वहाँ पे उसके LNB के ऊपर इस मोबाइल को रखना होता है। तो कैसे रखना है मैं आगे बताने वाला हूँ। और उसके बाद में LNB के ऊपर रख करके दोस्तों इस डिश को जो है धीरे धीरे घुमाना होता है और ये जो ग्रीन कलर की बॉल आपको नज़र आ रही है वो ग्रीन कलर की बॉल जो है इस घेरे पे जो गोल घेरा बना हुआ छोटा सा उसके बीच में लाना होता है। तो जैसे ही हमारा सिग्नल एयरटेल डिश पे आ जाएगा यानी कि एयरटेल के एंगल पे हमारी डिश की दिशा हो जाएगी तो उस समय जो ग्रीन कलर की बॉल है वो गोल घेरे के बीच में आ जाएगी। तो अब दोस्तों मैं आपको डिश पे ले चलता हूँ और इस मोबाइल को जो है LNB पे कैसे रखते हैं वो बताता हूँ और डिश को कैसे सेट करना है वो आपको बताता हूँ। अब दोस्तों जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है उसको हमारे जो डिश है इसके ऊपर ले चलना है। तो ये मेरा मोबाइल है एंड्रॉयड, इसको मैं आपको डिस्प्ले ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इसको रखना है और कैसे इस गोल छोटी सी बॉल है जो ग्रीन कलर की उसको गोल घेरे में लाना होता है। तो LNB जो लग रही है पहले उसकी LNB की पोजिशन मैंने सेट करना आपको बताया दिया। उसके बाद में सिंपली इस मोबाइल को इसके ऊपर LNB के ऊपर इस तरीके से रखना है बिल्कुल सीधा और डिस्क को घुमाना है और उस बॉल को गोल घेरे के बीच में लाने की हमको कोशिश करना है। तो हॉरिजॉन्टली डिस्क को घुमाना है, दाएं बाएं घुमाना है। एक बार सिग्नल एयरटेल की दिशा यहाँ पे सेट हो जाएगी उसके बाद में हल्के से डिस्क को ऊपर नीचे करके वहाँ पे हम आसानी से सिग्नल लेकर के आ जाएंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्रीन कलर की बॉल हैं वो गोल घेरे के बीच में आ जाएँ, और डिस्क को यहाँ पर धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत आसानी से जो है एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा आप डिस्क को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और जो है मेरी जो छोटी सी बॉल आपको इस मोबाइल में नज़र आ रही है वो उस गोल घेरे के अंदर यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्क को हमें हल्का सा टाइट कर देना है, जिस जगह यहाँ पर बॉल ग्रीन कलर की गोल घेरे में आई उस जगह हल्की सी टाइट कर देना है ताकि हमारी डिस्क हिले नहीं। तो यहाँ पर मैं हल्की सी इस डिस्क को टाइट कर देता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको जो टीवी है उस पर ले चलता हूँ और सिग्नल आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर हल्की सी मैंने डिस्क को यहाँ पे उसी जगह टाइट कर दिया है, और अब मैं आपको टीवी की तरफ ले चलता हूँ। तो टीवी मैं सिर्फ यहाँ इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको सिग्नल बता सकूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको टीवी नहीं भी लाओगे तो आपके डिस्क जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो बिना सेटअप बॉक्स, बिना टीवी के द्वारा, और आपको किसी प्रकार का कोई सेटअप बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिग्नल आने के बाद डायरेक्टली आप एयरटेल का सेटअप बॉक्स लगा करके यहाँ पे अपने चैनल देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल आप देख सकते हैं काफ़ी परसेंट सिग्नल मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं एयरटेल के। तो इस प्रकार दोस्तों मोबाइल के द्वारा हम आसानी से हमारी डिस्क को सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस तरह की टेक्निक सीख सकें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो नॉलेज है आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।